हेलो दोस्तों, तो अगेन स्वागत है आप लोगों का एक प्यारा सा गेमप्ले वीडियो में। और आज जो नशा किया ना बीजीएमआई वाला, वो सच्ची मेरे को बहुत खराब लगा। लेकिन उसको बोलने से पहले ने गाइस, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, एंड अगर इस वाले वीडियो पर लाइक नहीं किया तो मेक श्योर लाइक का बटन दबा दो। तो पहले फिलहाल गाइस देख लो, यहाँ पे जब अपन दो तीन किल निकालते ना, वो सब चीज़ चेक कर लो, फिर मैं बता दो आपको कि बीजीएमआई वाला क्या अपने साथ गलत किया। मैं आपको बोला था कि आज कॉन्करर अपना लग जाएगा और लिटरली ऐसा कुछ होगा, मेरे को ये समझ में नहीं आया था। गाइस कल अपन रैंकिंग 400 के आसपास छोड़ा और सुबह में ठीक ठाक था रैंकिंग, बट भाई साहब नहीं पता कॉन्करर क्यों नहीं लगा और मेरे को नहीं पता कौन सा ग्लिच मेरे साथ हुआ। लेकिन फिलहाल अभी गाइस देख लो, कल तो लग ही जाएगा, फिर नहीं लगा आज तो, क्योंकि आज 200 रैंक करके अपन छोड़ेंगे। यहाँ पे तो फाइट होता है, थर्ड पार्टी जारी अपना। अब गाइस पहला बंदा जो उसको अपन निपटा दिए थे और दूसरा बंदा डैमेज था ऑफकोर्स, तो उसको भी जल्दी से चलते हैं और यहाँ पर निपटाते हैं। गाइज इसको निपटाने के बाद ना, यहाँ पे मैं बैंडेजेस फर्स्ट एड जो भी मेरे को मिलता है ना, वो सब इन लोगों को लूटने पाटने के बाद ना आराम से यहाँ पे मार रहे होते हैं। और अभी देखना एक बंदा और मेरे को यहाँ पे दिख जाता है और उसको भी देखो अभी क्या ही अपन यहाँ पे मस्त वाला निपटाते हैं। बस आप लोग जरूर बताना कि आप लोग कॉन्करर हुआ कि नहीं, या फिर आप लोग टायर रैंक पुशिंग कर रहे हो। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अगेन मेरे को एक बंदा दिखता है लेफ्ट साइड में, अभी देखो जैसे ही मैं पीछे मुड़ूंगा ना मेरे को एक बंदा दिखेगा यहाँ पे, और उसको देखो अभी कैसे अपन निपटाते हैं। गाइस बेचारा ये बंदा ले रहा था टीवीपी किसी और बंदे के अगेंस्ट, लेकिन अपन इसको निपटा दिए। और उसके बाद ना राइट साइड से फुटस्टेप आता है, तो जल्दी से मैं चलता हूँ राइट साइड में और यहाँ पे आके थोड़ा सा टीवीपी लेता हूँ कि शायद अगला वाला बंदा जो है उसका मेरे को थोड़ा सा पोजीशन पता चल जाए। और जैसे ही पता चलता है, थोड़ा सा डैमेज जरूर हुआ था लेकिन वो बंदा कवर में जा चुका है और उधर मेरे को जाना है नहीं, क्योंकि उधर मैं बहुत बार निपट जाता हूँ। तो उसको फिलहाल यहाँ पे इग्नोर करते गाइस और चलते थोड़ा सा अपन कैंपिंग करने के लिए, जहाँ पे एकदम मस्त वाला। और जो बंदा को भी मैं गोली मारा ना, वो बंदा भी दिख रहा होगा आपको वीडियो में, वो मर चुका अभी जस्ट। अपन चलते जल्दी से थोड़ा कैंपिंग वैम्पिंग करते हैं पत्थर के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे बंदे कैंपिंग करते हैं तो अपने को भी ये चीज़ तो सीखना पड़ेगा, तब जाकर थोड़ा किल विल निकलेगा। क्योंकि यहाँ पे से जितना ज़्यादा किल आप निकाल सकते हैं गाइस उतना ज़्यादा निकाल लिया करो, क्योंकि यहीं पे सबसे बेस्ट एडवांटेज मिलता है आपको सबसे ज़्यादा किल करने का। अब मेरे को यहाँ पे एक बंदा डैमेज जरूर दिया था और इसी बंदे को ना अपन गाइस अभी निपटाएंगे। देखना अभी मैं जल्दी से जाता हूँ और सीधा पत्थर के ऊपर जा करके बैठ जाता हूँ, कि वहाँ पे जैसे ही बंदे का मेरे को पोजीशन मिलेगा ना, वहाँ से अपन आराम से कैंपिंग करके इस बंदे को निपटा देंगे। अब गाइज ऊपर आकर के यहाँ पे मैं लेट गया और बस सोच रहा था ना कि वो बंदा जल्दी जल्दी आ जाए, क्योंकि अपने पास टाइम भी बहुत कम था। एक मिनट के बाद ना ये जो है ये मोड अपने आप डिसेबल हो जाएगा, तो मैं चाह रहा था कि वो बंदा जल्दी जल्दी यहाँ पे आ जाए। तब तक मैं अपना पेन किलर और फर्स्ट एड जो भी मेरे पास है ना बूस्ट करने के लिए, वो सब यहाँ पे मार रहा होता हूँ और इतने मेरे को फुटस्टेप आ जाता है। अभी देखो इस बंदे को कैसे निपटाते हैं। गाइस इस वाले बंदे को लगता है कि मैं नीचे की तरफ हूँ, लेकिन ये रोटेशन इतना बड़ा मार के आया लेकिन अपने ऊपर नहीं देखा कि मैं ही ऊपर बैठा हूँ। तो उसको यहाँ पे निपटाने के बाद 4 किल कर चुके थे, मेरा लूट पट था ही। लेकिन यहाँ पे बीजीएमआई वाला नहीं पता मेरे को यहाँ पे क्यों भेज दिया, भाई स्टैलवर्ड की तरफ फेंका है मेरे को। तो कोई बात नहीं, चलते गाइस और अपना गाड़ी वाड़ी ढूंढते, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी मिलना तो इम्पॉसिबल है। और गाड़ी मेरे को थोड़ा दूर जाने के बाद मिल जाता है एक बाइक, और उस बाइक को लेकर के ना सीधा अपन निकल जाते हैं शेल्टर के पास, क्योंकि यहीं पे जो है अपना इवेंट वाला मोड आ चुका है। और इस वाले मोड में भी किल करने का तो अलग ही मजा आता है, तो यहाँ पे जल्दी चलते इवेंट वाले मोड पे और ऊपर जाने के बाद कुछ किल अपने लिए निकालते हैं। अब नहीं पता बाइक में ब्रेक क्यों नहीं लगा, ब्रेक लगाना पड़ेगा बाइक में। तो फिलहाल चलते हैं जल्दी से इवेंट वाले मोड के अंदर और फिर फटाक से 2-3 किल और निकालते हैं वहाँ पे। तो गाइस इवेंट वाला मोड में आ चुके और आपको पता है कि इसमें 3 कैरेक्टर आपको मिलता है। पहला तो ये हो गया जो मैं लेके चल रहा हूँ, और बाकी 2 कैरेक्टर और है जिसमें से एक सुपर पावर पंच रहता है एंड दूसरा गन वाला रहता है। इन दिनों को छोड़ के यहाँ पे थर्ड पार्टी हो रहा है, तो उसको देखो अभी कैसे निपटाते हैं। एक बंदे को यहाँ पे निपटाया, दूसरा बंदा पहले से डैमेज मेरे को पता है, उसको भी यहाँ पे एक हेडशॉट पड़ जाता है और वो बंदा भी जो है ना डैमेज जरूर होता है, लेकिन ऊपर साइड में जाके थोड़ा सा हीलिंग वो मार लेता है। लेकिन देखो अभी इस बंदे को भी कैसे अपन निपटाते हैं। गाइस इस वाले बंदे को भी यहाँ पे निपटा देते हैं, क्योंकि मेरे को सबसे बेस्ट कैरेक्टर यही लगता है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा पावरफुल मेरे को लगता है। अब यहाँ पे 2-3 नमूने जो ऊपर में उड़ रहे गाइस, इसका तो कोई अपने को किल मिलता है नहीं यहाँ पे, लेकिन तब भी अपने को इस बंदे से थोड़ा कॉइन वाइन मिल जाता है, जिस कॉइन से अपन M24 AWM M4 कुछ भी जो भी आपको चाहिए वो सब चीज़ आप लोग मंगा सकते हो। तो यहाँ पे अपन जल्दी से इन लोगों को भी निपटा करके जल्दी से यहाँ से निकलते, क्योंकि अब यहाँ पे कोई बंदा है नहीं तो रहना बर्बाद है। यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना है अपने को, वीडियो जितना ज़्यादा छोटा होता है उतना ज़्यादा कम करना है। तो यहाँ पे गाइस उसको निपटाने के बाद अपन बग्गी लेकर के आ गए थे स्कूल के पास, और यहाँ पे एक छोटा सा मेरे को सैग दिखता है और ये सैग के पास मेरे को नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ सीन हो सकता है।
क्योंकि यहीं पे आपको पता है लास्ट सीन यहीं का था जो मैं इंट्रो में डालता स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे देख सकते हो गाइस, मैं सैक का गेट तो बंद कर दिया एंड यहाँ पे पता चल जाता है कि स्कूल के पास से कोई ग्रेनेड का पिन खींचा है। तो देखो अभी फुटता भी यहीं पे जस्ट। अब गाइस ये वाला ग्रेनेड फटने के बाद मेरे को थोड़ा सा डैमेज जरूर पड़ता है अलग से सैक के पास से, और अगला जोन मेरे पे है नहीं। तो यहाँ पे जल्दी से मैं स्मोक कर देता हूँ, क्योंकि स्मोक करने से ना उस बंदे को यहाँ पे दिखेगा नहीं कि कहाँ पे जो है सैग में जगह है जहाँ से ग्रेनेड जा सकता है। तो जल्दी से ये सब चीज़ अपन ब्लॉक करते हैं, और इसको ब्लॉक करने के बाद ना यहाँ का सीन मैं जरूर काटा होगा। लिटरली ये बंदा ना 8 से 9 ग्रेनेड मेरे ऊपर फेंकता है, जिसमें से मैं एक भी ग्रेनेड से मरता नहीं हूँ। ड्यू टू स्मोक अपन कर देते बहुत सारा, जिससे वो बंदे को दिखता नहीं। लेकिन लास्ट में देखना ना ये बंदा अपने को कैसे निपटाता है, क्योंकि जोन 11 मीटर अंदर जाना है अपने को और अपने पास जोन है नहीं, और जिधर अपने को जाना है गाइस उसके बाद ये बंदा रस करता है और थोड़ा सा अपन नशा कर लेते हैं गाइस, जिसके कारण ना अपना हाथ से गन स्विच होता ही नहीं बल्कि मैं उस बंदे के ऊपर ग्रेनेड फेंकता हूँ। तो ये भी चीज़ अभी जल्दी से देखो आप लोग, यहाँ पर जोन गाइस 20 सेकंड के बाद स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ पे देख सकते हो 4 सेकंड, क्योंकि मैं बीच का सीन थोड़ा सा काट दिया आप लोग के लिए, तो ताकि आप लोग के लिए वीडियो छोटा हो जाए, क्योंकि वही सीन के बीच में ग्रेनेड किया है। अब गाइस यहाँ पे जोन स्टार्ट हो चुका है और अब अपने को बाहर निकलना पड़ेगा। तो जल्दी से यहाँ पे जो भी ग्रेनेड है, एक ग्रेनेड मैं ट्राई करता हूँ कि शायद वो बंदा ना निपट जाए, क्योंकि बंदे का फुटस्टेप आ रहा था मेरे को कि वो रेड वाले घर के अंदर है। लेकिन ग्रेनेड करने के बाद मेरे को जल्दी से यहाँ से निकलना होता है, और जैसे ही निकलता हूँ ना गाइस यहाँ पे जाते मैं शील्ड एक्टिवेट कर देता हूँ। ये सब तो सही था, अपन उस बंदे को ईजिली निपटा भी सकते थे यहाँ पे, लेकिन गाइस नहीं पता किस्मत ही खराब था अपना बोल सकते हैं। यहाँ पे तो थोड़ा सा डैमेज दिया, ग्रेनेड पिन किया मैं और वो बंदा तब तक वहाँ से निकल गया, और ये ग्रेनेड मैं कैंसिल भी किया तो नहीं हुआ, और अगला बार भी गाइस ग्रेनेड ही निकला देखो। तो यहाँ पे गाइस फिलहाल ये बंदे का किस्मत अच्छा था, अपना पेटी यहाँ बना दिया प्लस उसको एक प्यारा सा कवर मिल गया। तो इसको फिलहाल यहाँ से गाइस हटाते हैं और चलते सेकेंड वाले मैच की तरफ, जहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है। अब इस वाले मैच में जो गाइस है ना, यहाँ पे जोन बनता है बहुत ही गलत वाला, 19 बंदा लाइव रहता है एंड जोन बस एक छोटा सा जोन है, एकदम खुला में जोन है, सारा का सारा खुला में जोन है। तो अब मैं जल्दी से अपना जो ऑर्डर ऑर्डर है ना वो भेजता हूँ, ताकि अपने को थोड़ा मोड़ा शील्ड मिल जाए, और क्योंकि मेरे पास 2 ही शील्ड है, तो जल्दी से मंगाते हैं शील्ड विल्ड, ताकि थोड़ा सा अपने पास एडवांटेज ज़्यादा रहे, क्योंकि अभी जो जोन है ना वो तो मेरे पास है लेकिन आगे बहुत ही गलत सीन होने वाला। लेकिन इसके लास्ट तक जरूर देखना गाइस, इस वाले मैच में क्या ही तगड़ा सा चिकन निकालते और इतना ज़्यादा प्लस एस लेवल पर मिलता है ना, वो क्या ही बताओ। यहाँ पे गाइस में एक गाड़ी आता है, उसको मैं थोड़ा डैमेज देता हूँ। अब गाइस इतना डैमेज देने के बाद अगर किल चोरी हो जाए ना तो सच्ची दिल से बहुत बुरा लगता है गाइस। तो यहाँ पे गाइस फिलहाल देख सकते हो अभी जो है ना सामने वाला बंदा स्मोक कर दिया, जो कि मेरा किल अभी जस्ट चोरी किया है, एक नंबर का चोर बंदा है। फिलहाल चोर ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो यहाँ पे जल्दी से उसके ऊपर ग्रेनेड करने की कोशिश करते हैं, ताकि वो बंदे को थोड़ा डैमेज बढ़ सके, क्योंकि जोन भी अभी स्टार्ट हो चुका है तो उसको आना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं अभी फायरिंग करता हूँ, तो देखो वो फायरिंग से क्या होता है, बंदे को डैमेज जरूर पड़ता है लेकिन वो बंदा जोन के अंदर निकल जाता है। अब क्योंकि जोन आ चुका था गाइस, तो अपने को भी जोन के अंदर जाना था, तो उसको जल्दी से यहाँ से छोड़ते हैं और बग्घी लेकर के निकलते हैं अपन जोन के अंदर, क्योंकि अपने को भी जोन के अंदर जाना है। तो यहाँ पे जाने के बाद देखना गलत ही सीन अपने साथ होता है, थोड़ा डैमेज जरूर देता है बंदा लेकिन अपने को फिनिश नहीं कर पाता, उतने में अपन शील्ड जो है ना एक्टिवेट कर देते हैं। यहाँ पे गाड़ी ठोकता हूँ, मेरे ऊपर डैमेज बहुत ही तगड़ा वाला होता है सामने की तरफ से, लेकिन मैं यहाँ पे जल्दी से एक शील्ड एक्टिवेट करने का सोचता हूँ, और शील्ड भी सही टाइम पर एक्टिवेट नहीं होता है, तब मैं राइट साइड मुड़ता हूँ एंड फिर शील्ड एक्टिवेट यहाँ पे कर लेता हूँ। अब गाइस एक कवर तो अपने लिए बन गया था, लेकिन मैं राइट साइड देखा नहीं था कि राइट साइड में भी बंदा है गाइस, क्योंकि सामने की तरफ यूएस गया और यूएस वाला जो है ना सामने वाले बंदे के साथ फाइट किया और निपट भी गया वहाँ, क्योंकि सामने वाले बंदे के पास ग्रोजा था जिसका फाइट अपने साथ लास्ट में होने वाला है। यहाँ पे गाइस मैं एक और शील्ड लगाना चाहता था लेकिन ये शील्ड लग नहीं रहा था, और मेरे जस्ट नीचे मैंने एक बंदा था, उसको आप स्पॉट कर सकते हो। मैं जैसे ग्रेनेड निकाला उस बंदे को ग्रेनेड मारने के लिए, लेकिन उससे पहले देखा कि मैं पीछे से भी भाई मेरे को गोली पड़ सकता है, तो जल्दी से ग्रेनेड कुक करते गाइस और फेंकने का ट्राई करते, शायद वो बंदा निपट जाए। लेकिन अभी थोड़ा सा सस्ता नशा फिर से होता है, यहाँ पे मैं एक स्मोक फेंकता हूँ ताकि मेरे को ऊपर से गोली ना पड़े, और जैसे ग्रेनेड पिन करता हूँ ना वो ग्रेनेड ऑटोमेटिक फेंका जाता है, मतलब मैं कुक भी नहीं कर पाता, वो जल्दी से जल्दी फेंका जाता है। अब नहीं पता इस वाले मैच में ही ऐसा बस हुआ मेरे साथ, नहीं पता कितने बार नशा होना था यहाँ पे। तो यहाँ पे ग्रेनेड फेंकता हूँ गाइस, और उसके बाद ना मैं जैसे ग्रेनेड और मंगाता हूँ ना, यहाँ पे ग्रेनेड कुक करता हूँ, वो बंदे का मेरे को हेड दिखता है और मैं उसको निपटा देता हूँ। अब गाइस इसको निपटाने के बाद अपना एक किल जो है ना यहाँ पे निकल चुका था, मेरे को नहीं पता था कि भाई 2-3 किल पे भी 20-20+ मिल सकता है अपने को इस लेवल पे, मतलब कॉन्करर टायर पे एकदम, मतलब कॉन्करर हो ही गया था, नहीं पता आज क्यों अपने साथ ऐसा हुआ, लेकिन आई थिंक कल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपना 400 रैंक और जब अपना 5:30 मिला था ना तब अपना 500 रैंक था, मतलब एग्जैक्ट 500 रैंक था, तब भी नहीं मिला। अब गाइस यहाँ पे ग्रोजा वाला जो बंदा है ना वो फिलहाल यहाँ से जोन के अंदर निकलना था उसको, और मेरे को भी यहाँ पे जोन में निकलना था, तो जल्दी से अपन भी धीरे धीरे करके ना जोन के अंदर जाने का ट्राई करते हैं, क्योंकि सामने उसके पास हायर रीच है और मैं इधर से रहूँगा तो इधर मैं निपट जाऊँगा, क्योंकि लेफ्ट वाला बंदा जो है ना वो भी फिलहाल अभी जोन में जा चुका है, तो निकलने का चांसेस यही है।
यहाँ पे मैं सील्ड एक्टिवेट करता हूँ ताकि मेरे पास कवर बन जाए, लेकिन कवर तो बनता है नहीं। और जैसे मैं लेफ्ट साइड देखता हूँ ना, मेरे को एक बंदा स्पॉट हो जाता है, वो कवर के अंदर रहता है। लेन देना अभी क्या ही प्यारा सा हेडशॉट मार के उस बंदे को भी यहाँ से फिनिश करते हैं अपन। अब गाइस इसको फिनिश करने के बाद ओनली दो बंदे बचे हैं, और मेरे को ये चीज़ नहीं पता था कि मेरे जो सामने ग्रोजा वाला बंदा है ना वही अलाइव है। मेरे को लगता है लेफ्ट साइड वाला बंदा जो है ना वो लेफ्ट साइड में आपको सील्ड दिख रहा होगा, तो मेरे को लगा शायद वहाँ पे बंदा होगा तो मैं ऊपर जाऊँगा तो मेरे को निपटा दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल वहाँ बंदा नहीं रहता, मेरे को थोड़ा देर बाद फुटस्टेप आ जाता है कि ग्रोजा वाला बंदा जो है ना वही अभी तक अलाइव है, और वो ग्रेनेड भी कुक करता है, लेकिन आपका भाई का जो ग्रेनेड रहता है ना वो उससे भी तगड़ा रहता है। तो जरूर ये चीज़ इन्जॉय करो, और जरूर कमेंट सेक्शन में आप लोग बताना जरूर गाइस। हर एक दिन आपको बोलता हूँ मैं, आप लोग हर एक दिन बताओ, अगर कोई नुक्स भी मिलता है तो वो भी चीज़ आप लोग बताओ कि हाँ भाई इसको सुधारो ताकि और अच्छा लगेगा देखने में, तो वो भी चीज़ मैं करने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पे गाइस अपन एक सील्ड एक्टिवेट करते हैं एंड सामने से ग्रेनेड आता है, वो ग्रेनेड से अपने को डैमेज जरूर पड़ता है, लेकिन अपना ग्रेनेड उस बंदे को यहाँ पे निपटा देता है। अब गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों में, और नहीं सब्सक्राइब किए तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और शायद कल वाले में कॉन्करर अपने को मिल जाएगा। तो गुड बाय गाइस, hang him from the yard.